हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। गाइज, इस वीडियो में असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग बात करेंगे। यहां से प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर की भी वैकेंसी है, बट इस वीडियो में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को डिस्कस करेंगे। यह एक रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है, तो यहाँ पर कोई लास्ट अप्लाइंग डेट नहीं रहेगी। 7 CPC पेमेट्रिक्स के अकॉर्डिंग एकेडमिक पेलेबल रहेगी। SC ST PWD एंड ओमेन कैंडिडेट एप्लीकेशन फीस से एग्जेम्प्टेड रहेंगे, उन्हें कोई एप्लीकेशन फीस पेड नहीं करनी है। यहाँ मल्टीपल डिपार्टमेंट में वैकेंसी है एंड मैक्सिमम सीट अवेलेबल है। तो गाइज, इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आप यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट में क्या सीट रहेगी, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, कैंडिडेट कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका मिस ना हो। हेलो गाइज, मैं कविता कुसुम अपने इस यूट्यूब चैनल कविता हर रू क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको PhD एडमिशन नोटिफिकेशन एंड टीचिंग पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट ऑल ओवर इंडिया से मिलेंगे। साथ ही एजुकेशन सब्जेक्ट से अगर आप UGC नेट, सेट या PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप अदर सब्जेक्ट से PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हैं। तो गाइज, अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं तो उसकी इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उसे इमीडिएट देख पाएं। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। तो गाइज, वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। ये वैकेंसी आई है मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से। यहाँ से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है। तो इस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए एंड यहाँ पर अप्लाई करने के लिए इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे। उसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाएंगे, देन आपका इस तरह का पेज आएगा। इसमें स्टार्टिंग में ही आपको रोलिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशन शो होगा। फर्स्ट में एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए है। प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर की डिटेल एडवर्टाइजमेंट को आप यहाँ से देख सकते हैं। डिपार्टमेंट वाइज स्पेशलाइजेशन को आप यहाँ से देख सकते हैं एंड ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। तो इस लिंक से आप प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके जस्ट नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। डिपार्टमेंट वाइज स्पेशलाइजेशन को आप यहां से देख सकते हैं एंड यहां पर ऑनलाइन लिंक दी हुई है, इस लिंक के थ्रू कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि बताया है कि ये एक रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है, तो यहां पर चार फेज में एप्लीकेशन फॉर्म फिल की जाएगी, जिसमें फर्स्ट फेज 31 मार्च को एंड हुई है एंड 1 अप्रैल 2024 से सेकेंड फेज स्टार्ट हुई है। तो ये नोटिस इसी के रिगार्डिंग है, क्लोजर लास्ट डेट फॉर फर्स्ट साइकिल ऑफ रोलिंग फैकल्टी रिक्रूटमेंट 2024। तो अब सेकेंड साइकिल में कैंडिडेट 1 अप्रैल टू 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। इस रिगार्डिंग डिटेल एडवर्टाइजमेंट को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये इसकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पर फोर्थ साइकिल में एप्लीकेशन फॉर्म फिल की जाएगी। फर्स्ट साइकिल 1 मार्च टू 31 मार्च तक एंड हो चुकी है। सेकेंड साइकिल 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई है एंड कैंडिडेट यहाँ पर 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड साइकिल 1 जुलाई से स्टार्ट होगी एंड कैंडिडेट इसके लिए 30 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ साइकिल 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगी एंड इसके लिए कैंडिडेट 31 दिसंबर तक अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ आपका जनरल इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अप्लाई करने से पहले इसकी डिटेल को जरूर रीड करेंगे। यहाँ पर आपका हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है। कैंडिडेट यहाँ पर ओनली ऑनलाइन मोड में अप्लाई करेंगे, जिसके लिए ये लिंक दी हुई है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 1500 रुपीज है फॉर अनरिजर्व एंड OBC कैटेगरी। SC ST PWD एंड ओमेन कैंडिडेट एप्लीकेशन फीस से एग्जेम्प्टेड है। एंड यहाँ पर कैंडिडेट को कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल दी हुई है। यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट एंड पे लेवल दिया हुआ है। यहाँ वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा। इसके लिए एकेडमिक पे लेवल 10 है। एंट्री पे 70,900 रुपीज। इसके लिए टोटल 60 सीट की वैकेंसी है इंक्लूडिंग बैकलॉग। इसमें UR के लिए 33 सीट है, OBC के लिए 9 सीट है, SC के लिए 7 सीट है, ST के लिए 6 सीट है, EWS के लिए 5 सीट है। देन असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए एकेडमिक पे लेवल 12 रहेगी। एंट्री पे 1,01,500 रुपीज रहेगी। इसके लिए टोटल यहाँ पर 5 सीट की वैकेंसी है इंक्लूडिंग बैकलॉग। देन यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, लाइक ऑल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए BTech, BE, MTech, ME, MS या इंटीग्रेटेड UG एंड PG इन इंजीनियरिंग एंड PhD इन रिलेवेंट डिसिप्लिन होना चाहिए। फिजिक्स या केमिस्ट्री के लिए PhD विद BSc 3 ईयर्स या 4 ईयर्स एंड MSc इन रिलेवेंट ब्रांच या इंटीग्रेटेड MSc
विद PhD इन रिलेवेंट ब्रांच होना चाहिए। तो इस तरह से जिस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसकी डिटेल को देख लेंगे, क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ से आप डिपार्टमेंट वाइज स्पेशलाइजेशन को देख सकते हैं। फर्स्ट में आपका डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, इसके लिए स्पेशलाइजेशन है अर्बन प्लानिंग, एनवायरमेंटल प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, अर्बन डिजाइन, बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। इसी तरह से सभी डिपार्टमेंट की अलग अलग स्पेशलाइजेशन दी हुई है। यहाँ टोटल 18 डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। आप जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे उसकी स्पेशलाइजेशन को देख लेंगे। ओके गाइज, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए काफी टाइम दिया गया है एंड रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को एप्लीकेशन फीस से भी एग्जेम्प्टेड रखा गया है। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर है तो जरूर अप्लाई करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।